ना, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, न्यू डेटा टाइप आप लिख लोगे, न्यू डेटा टाइप और फिर एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन को करना है इसमें करना है। तो जैसे अभी मान लो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, मान लो आपके पास दिया हुआ एक्स इक्वल टू 50.75, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू एन इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये तो सबको पता है, पॉइंट में अगर जो वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस 11c और 11, उसको फ्लॉट बोलते हैं हम लोग, यस और नो, पॉइंट वाले वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, यस सर, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लॉट वैल्यूज, यस और नो बोलते हैं, उसको हमको किस में कन्वर्ट यस सर, करना है, इनटू एन इंटीजर टाइप, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो अगर हमको इंटीजर में चाहिए तो इसके लिए हम लोग आते हैं पाइथन में, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स इक्वल टू 50.75, लिख लिए हम लोग इंटर। अब इसको फिर लिखेंगे प्रिंट और ब्रैकेट में लिख देंगे इंट एक्स, एक्स क्या है मेरा, एक्स मेरा है इंटीजर, इंटीजर बना दे रहे हैं। अब इसको इंटर करेंगे तो देखो ये एक्स मेरा क्या था, फ्लॉट था पॉइंट वाला, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कैसे कर दिए, न्यू डेटा टाइप का नाम लिखे, यहाँ पे देखो क्या लिखे हैं सिंटेक्स में, न्यू डेटा टाइप का नाम और एक्सप्रेशन, है ना, तो यहीं पे आइए आप लोग, यहाँ पे क्या किया, नया डेटा टाइप क्या है, ये फ्लॉट था, इसको इंटीजर लिख दिया और किसको कन्वर्ट करना है, एक्स को लिख दिया, तो देखो 0.75 हट गया, इंटीजर में हो गया, ये एक्स का वैल्यू इंटीजर में हो गया, यस और नो, बोलिए एक्स का वैल्यू इंटीजर में हो गया, कन्वर्ट करोगे तब, लेकिन एक्स को फिर से देखोगे तो फ्लोटिंग पॉइंट में ही दिखे, ये वाला पॉइंट को हम वहां कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ये यहाँ पे हम कर दिए, लेकिन एक चीज का क्या डिफरेंस आया, इंटीजर टाइप में हम कन्वर्ट करेंगे, दैट इज इंट एक्स, हाँ, तो इससे होगा क्या, विल डिस्कार्ड, ये क्या कर दिया, डिस्कार्ड द फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, क्या था फ्रैक्शनल पार्ट ईशा, 75 को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया ना, देखो इंटीजर में जब कन्वर्ट किए तो इंटीजर में जब कन्वर्ट किए तो विल डिस्कार्ड द फ्रैक्शनल पार्ट 0.75 एंड शैल रिटर्न, एंड रिटर्न शैल वैल मतलब एंड रिटर्न एंड will return, क्या return किया, return क्या कर दिया जी, बस 50, clear है, समझ में आ गया कैसे हम लोग convert करते हैं, explicit conversion का मतलब क्या होता है, सबको समझ में आ गया I think, similarly अगर मान लो आपके पास कुछ और value है, x इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 9, ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल में देते हैं, सपोज x इक्वल टू दिया हुआ 9, तो इसको हम प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे फ्लॉट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लॉट और इसको कर देते हैं x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, अब इंटर करते हैं, तो देखो x मेरा क्या था, इंटीजर था, उसको हम फ्लॉट कन्वर्ट कर दिए, ये जी यस और नो, कोई दिक्कत समझने में, सिमिलरली आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, स्ट्रिंग में अगर करना चाहो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे। उसके बाद होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, आल्सो नोन एज व्हाट हैपेंस व्हेन डेटा टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय पाइथन एंड इज नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्राम, एक और होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन, लिख लीजिए ऐसे अपना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, अगर एग्जाम में डिफरेंस आया तो लिख लेना, इम्प्लिसिट कन्वर्ट, ये ऑटोमेटिक जो कन्वर्ट हो जाता है उसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, ऑल्सो इम्प्लिसिट
कन्वर्जन कॉमा ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन, ठीक है, जो ऑटोमेटिक होगा. Question, comma, happens when data type conversion is done automatically. जब कब होता है? ऑटोमेटिकली बाय पाइथन, ठीक है, ऑटोमेटिकली बाय पाइथन, ठीक है, एंड इज नॉट इंस्ट्रक्टेड बाय द प्रोग्रामर. इंस्ट्रक्शन नहीं रहता प्रोग्रामर का, इट इज नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट में क्या करते हैं? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं, और कन्वर्ट करते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप, ठीक है, न्यू डेटा टाइप लिखते हैं फिर एक्सप्रेशन लिख देते हैं, यही इसका सिंटेक्स, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स हो गया. और इम्प्लिसिट कन्वर्जन में हम लोग पढ़ लिए That will be done automatically. ये automatically होता है by Python. और इसको कोई instruction is and is not instructed by the program. ठीक है? किसी को दिक्कत है तो बोलो. Yes, anyone? No sir. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे operators. Operators तो ऐसे हम लोग पढ़ ही चुके हैं. Operators. ठीक है, ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स. आज कम बच्चा आने का वजह बताओ जी, विच रिप्रेजेंट. यस कृष्णा. यस सर. कहाँ भाग गया सर भाई? पता नहीं सर. ऑपरेटर क्या होता है? आर स्पेशल सिंबल्स विच रिप्रेजेंट कंप्यूटेशन. ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल्स होता है जिसको हम लोग क्या से हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कंप्यूटेशन. ऑपरेटर क्या? प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब क्या हुआ? ऑपरेटर. ऑपरेटर्स किस पे अप्लाइड होता है? दे आर अप्लाइड ऑन ऑपरेंड. ऑपरेंड पे अप्लाई होता है. ऑपरेंड क्या होता है? जैसे ए और बी दो ऑपरेंड है ना, विच अभी समझ में आ जाएगा, विच कैन बी वैल्यूज और वेरिएबल्स, ठीक है, अप्लाइड ऑन ऑपरेंड्स विच कैन बी वैल्यूज और ऑपरेंड्स. यहां पे जैसे मान लो आप लिखते हो, सपोज एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ए एंड बी ये क्या हो गया? ए और बी क्या हो गया आपका? वेयर, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ए और बी क्या हो गया? ए और बी क्या हो गया? ऑपरेंड बोलते हैं, नहीं ऑपरेंड बोलते हैं इसको, ऑपरेंड्स हो गया. एंड प्लस जो यूज किए, प्लस जो प्लस इज द ऑपरेटर, प्लस इज व्हाट? इट इज द ऑपरेटर. ये हो गया आपका ऑपरेटर. ए और बी ऑपरेंड हो गया, और प्लस क्या हो गया? ऑपरेटर. तो यहाँ पे हम लोग को पता क्या चला कि ऑपरेटर क्या है? एक स्पेशल सिंबल होता है जो किसी कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे कंप्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं?